हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली वेडिंग से मेकअप लुक। आप वेडिंग में कर सकते हो या कुछ फंक्शन हो इसमें कर सकते हो, ब्रदर्स वेडिंग में, कोई भी वेडिंग में आप ये मेकअप लुक कर सकते हो, तो वीडियो को एंड तक देखना। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ रोज ग्लो टोनर। ओके, टोनर आपका ड्राई हो जाए उसके बाद ही दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे यूज करें। ने टोनर अप्लाई कर दिया, अब आपको अप्लाई करना है विटामिन सी सीरम। ये ऑप्शनल है, चूज कर सकते हो, बट मुझे ये अप्लाई करना था इसलिए मैंने अप्लाई किया है। आप जरूरी नहीं आप ये वाले प्रोडक्ट यूज करें, आपके पास जो भी प्रोडक्ट हो वो आप यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। ड्राई स्किन है तो डेफिनेटली वाले ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छी वाली है। तो ये भी ड्राई होगा, इसको 2 मिनट के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी मॉइस्चराइजिंग। तो है लॉरियल की रिवाइट लिफ्ट क्रिस्टल, बहुत अफोर्डेबल में, ऑयली स्किन तो डेफिनेटली वाले ट्राई कर सकते हो जेल बेस में। और प्रोडक्ट्स आपके पास जो भी हो वो आप यूज़ कर सकते हो, बट स्टेप यही होने चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देख। 5 मिनट के बाद ही मैं प्राइमर यूज़ करूँगी, स्किन प्रेप हो जाए उसके बाद आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद ही दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे आपको यूज़ करना है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लेक में एब्सोल्युटली ब्लर परफेक्ट मेकअप प्राइमर, जो पोर्स होते हैं उसको क्लोज कर देता है। ओके, तो मैं ये वाला अप्लाई करूँगी बिकॉज ये मेरा फेवरेट है। थोड़ा क्रीम बेस में मतलब वर्क करता है, लाइक आपको ऐसा लगता है आपको प्राइमर प्लस कोई क्रीम यूज की हो इसका कॉम्बाइन लगता है। अच्छा, आपको ओपन पोर्स नहीं है तो आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हो, नायका का ब्लू हेवन का भी ट्राई कर सकते हो प्राइमर, इसलिए आपको यूज करना है। आपका मेकअप उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाता है एंड बिल्कुल भी आपका मेकअप केकी नहीं होता एंड आपका पोर्स को क्लोज करता है। ओके, यहाँ पे अप्लाई करूँगी बीबी क्रीम। बीबी क्रीम इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज जो बिगिनर्स है उसके पास ऑब्वियसली बीबी क्रीम तो होगी। आप बीबी क्रीम फेयरलॉन यूज़ कर सकते हो, बीबी क्रीम यूज सकते हो, गार्नियर सीसी क्रीम यूज़ कर सकते हो, इसलिए एक वाली तो आपके पास होगी, इसलिए फाउंडेशन किसी के पास हो या ना हो सो मैं बीबी क्रीम यहाँ पे यूज कर रही हूँ। ओके, डॉट डॉट करके लगानी है, नेक पे भी आपको यूज करनी है। क्या करके आपके पास जो भी सेटिंग स्प्रे हो, लाइक मेरे पास रोनजिल का फिक्स मैट है और तो इसको मैं स्प्रे कर दूंगी ताकि ये मैंने बीबी क्रीम यूज़ की अच्छे से ब्लेंड हो जाए आपके। और ये ब्यूटी ब्लेंडर को ऑब्वियसली आपको क्या करना है, पानी में गीला करना है, पानी से पूरा निकाल देना है पानी, देन अप्लाई करना है। कवरेज भी अच्छी आती है। तो अब मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ लिक्विड प्लस, बिकॉज ऑब्वियसली अभी विंटर है तो आप लिक्विड प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज करें। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करूंगी। ओके, तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो भी कर सकते हो, बट मुझे अप्लाई नहीं करना है यहाँ पे। ओके, मैंने ब्लश अप्लाई कर दिया, आप देख सकते हो मैंने बीबी क्रीम के बाद कंसीलर यूज़ नहीं किया, तो अब हाई पॉइंट को हाई दिखाने के लिए मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे कंसीलर जो है स्वीस ब्यूटी का, इसमें सेड मैंने लिया है 07 येल्लो टोन में मैंने लिया है। तो कंसीलर ब्लश मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जो है कफ एंड लेसिस का F09 19। ओके, अच्छे से टैप 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 करना है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो ही आप यूज कर सकते हो कंसीलर का, बट आई पॉइंट को हाइट दिखाने के लिए अच्छा वाला प्रोडक्ट है। पर मैं यूज कर रही कॉन्टोर, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी, आप देख सकते हो। जो कंसीलर ब्रश था उसी से मैंने टैप टैप कर दिया है। यहाँ पे मैंने कंसीलर यूज किया, वही मैं अप्लाई करूंगी ये वाला लूज पाउडर। ओके,
आईब्रो को सेट। तो मैं यस फीस ब्यूटी की ले रही हूँ, नीड नहीं है आईब्रो डार्क करने की, ऑब्वियसली मेरी डार्क ही है आईब्रो। जो एक्स्ट्रा पाउडर है हमने अप्लाई किया है उसको मैं रिमूव कर दूंगी, सॉरी लिक्विड प्लस यूज किया था वहां पे, मैं यूज करने वाली हूँ ये यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ। ये वाला सेट लूंगी पैरोट। ओके तो फ्लफी ब्रश के हद से यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा पाउडर को रिमूव कर दूंगी एंड क्रीज लाइन पे अप्लाई करूंगी। आई सेट तो मेरा सिंपल वे में ही होगा, ब्लेंड 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 ब्लेंडिंग में आपको ज्यादा ध्यान देना है। पैलेट कलर अप्लाई कर दिया, अब मैं क्या करूँगी यहाँ पे पैलेट में से ही वाला कलर पिक करूँगी। जस्ट देख सकते हो ब्यूटीफुल कलर है वाला, देख सकते हो। जस्ट कट क्रीज की भी नीड नहीं आपको, तो ऑफिशियली आप ऐसे कर सकते हो। लाइनर के लिए मैं यूज कर रही है टिप्सी की 2-in-1 डबल शॉट आईलाइनर, जो बहुत 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 ही अच्छी वाली लाइनर है। थोड़े भी नहीं लिए आप ट्राई कर सकते हो। ओके मैंने इसके पर लॉन्ग वीडियो अप्लाई किया है, आप देख सकते हो। अब मैं ये सैम ब्रश की हेल्प से लोअरलेस लाइन पे ये वाला कलर अप्लाई करूंगी जो मैंने पहले अप्लाई किया था। मेरा न्यू हाइलाइटर टूट गया है, मैं लाई थी अब रिसेंटली, मैंने बाय किया था पर्पल से, तो पूरा यूज़ भी नहीं किया, टूट गया मेरा। तो यही हाइलाइटर मैं अप्लाई करूँगी। शादी में जा रहे हो, हाइलाइटर अप्लाई नहीं कर रहे हो के तो फीका फीका लगेगा, ओब्वियसली हाइलाइटर अप्लाई करना हाई पॉइंट पे। अगेन मैं यहाँ पे यूज करूंगी सेटिंग स्प्रे। ओके तो आपका हाइलाइटर एनहांस नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, सेटिंग स्प्रे यूज किया है, अगेन इसके ऊपर हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हो, तो आपका हाइलाइटर बहुत अच्छे से एनहांस होगा। तो अब मैं हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, मैं फेक आईलेसेस यूज नहीं करूंगी, मैं नहीं करती हूँ यूज। ओके तो एडजस्टमेंट कर देना। अब मैंने यूज की मैगलेन की वाले लिपस्टिक जो सेड VM01 आई डोंट नो ये वाला है, इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है उसमें। इसके ऊपर मैंने पिंक वाला आई शेड यहाँ पे यूज कर लिया उसके ऊपर। दैट्स माय फाइनल लुक, देख सकते हो बहुत ही अच्छा वाला मेकअप हुआ है हमारा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।